दिस इज पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर। वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट प्रोफेशन एथिक्स बार बेंच लेशन इन मूट कोर्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द हाई कोर्ट व्हेन अ मैटर अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट इज ब्राउट। तो अब हमें पढ़ना है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 के अंडर वो प्रोसीजर जो हाई कोर्ट फॉलो करती है जब कोई कंटेम्प्ट का मामला जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है हाई कोर्ट को रेफर जब करती है। तो द प्रोसीजर फॉलोड बाय द हाई कोर्ट इन मैटर्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट इज डिसाइडेड इन द सेक्शन 15 एंड 17 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971। तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 का सेक्शन 15 17 डील करता है उन केसेस में उस जहाँ पे हाई कोर्ट को एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का जो मामला है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने रेफर किया होता है और उसका प्रोसीजर जो है सेक्शन 15 और 17 में बता रखा है। द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 15 इन द कंडीशन ऑफ अ कंटेम्प्ट ऑफ अ सबॉर्डिनेट कोर्ट बाय हाई कोर्ट शैल बी डन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो सेक्शन प्रोसीडिंग जो है सेक्शन 15 के अंडर उस कंडीशन में स्टार्ट होती है जब हाई कोर्ट की ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है। ऑन अ रेफरेंस टू अ मेड टू द हाई कोर्ट बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जो है छोटी कोर्ट ने जो हाई कोर्ट को वो मामला रेफर किया है। ऑन अ प्रपोजल मेड बाय द एडवोकेट जनरल, उस स्टेट के एडवोकेट जनरल के प्रपोजल पे वो मामला जो है हाई कोर्ट में भेजा गया है। और इन द रिलेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कोई भी लॉ ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट जो है इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया और उसके प्रपोजल पे जो है हाई कोर्ट उस मामले को सुन सकती है। दस इट इज़ क्लियर द क्रिमिनल प्रोसीजर इज सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट कैन टेक एक्शन। तो कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट के केसेस में हाई कोर्ट तभी एक्शन लेगी जब रेफरेंस किया जाएगा सबॉर्डिनेट कोर्ट के थ्रू या एडवोकेट जनरल या फिर लॉ ऑफिसर के थ्रू जो प्रपोजल जो है इस केस का जो है हाई कोर्ट को दिया जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ एडवोकेट जनरल यूज इन सेक्शन 15 मीन्स, तो एडवोकेट जनरल जो सेक्शन 15 में यूज़ किया जा रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो वो सॉलिसिटर जनरल होगा, अगर इन रिलेशन टू द हाई कोर्ट द एडवोकेट जनरल होगा स्टेट का, और अगर हम इन रिलेशन टू द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर तो फिर कोई भी लॉ ऑफिसर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट। प्रोसीजर क्या है, तो सेक्शन 17 जो है प्रोसीजर बताता है उन केसेस का जो कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट से रिलेटेड हैं और जिनको सबॉर्डिनेट कोर्ट ने या एडवोकेट जनरल ने या फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने या किसी लॉ ऑफिसर ने जो है प्रपोज किया है या रेफर किया है हाई कोर्ट को, उनका प्रोसीजर यहाँ बताया गया है। नोटिस ऑफ एवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 15 शैल बी सर्व पर्सनली ऑन द पर्सन चार्ज, जिस पर्सन पे चार्ज लगे हैं उस पर्सन को उस केस का नोटिस सेंड किया जाएगा, नोटिस उसको भेज दिया जाएगा। अनलेस कोर्ट को ये लगता है तो इस केसेस में नोटिस को भेजने की जरूरत नहीं है, रीजन टू बी रिकॉर्डेड डायरेक्ट, अदरवाइज अगर नोटिस जो है पहले ही सेंड कर दिया जा चुका है, अगर प्रोसीडिंग जो है कमेंस ऑन मोशन पे है तो मोशन की कॉपी जो है सेंड ऑलरेडी कर दी गई है विद एफिडेविट, और अगर प्रोसीडिंग जो है कमेंस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस तो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने पहले ही रेफरेंस की कॉपी जो है सेंड कर दी है। द कोर्ट मे इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन चार्ज अंडर सेक्शन 15 इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड और कीप आउट ऑफ द वे ऑफ द अवॉइड सर्विस ऑफ द नोटिस नोटिस ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑफ सच वैल्यू और अमाउंट एज इट मे डीम फिट। तो अगर कोर्ट को ये लगता है या वो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि सेक्शन 15 पे जिसके अगेंस्ट चार्ज लगे हैं वो भाग सकता है, भगोड़ा हो सकता है, तो सर्विस को जो है जो नोटिस सर्व किया गया है उसको जो है अवॉइड कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की जा सकती है। एवरी अटैचमेंट अंडर सेक्शन 3 शैल बी इफेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। तो जो यहाँ पे अटैचमेंट जो है वो प्रॉपर्टी की वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग जो है की जाएगी। इफ आफ्टर सच अटैचमेंट द पर्सन चार्ज अपेयर एंड शो टू द सेटिस्फैक्शन टू द कोर्ट दैट he did not abscond or keep out of the way to avoid the service of the notice, the court shall order to release his property from the attachment। अगर वहाँ पे जिस पर्सन पे चार्ज लगे हैं ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि ना तो वो भागेगा और ना ही जो है सर्विस ऑफ समन को जो है अवॉइड करेगा, तो उस कंडीशन में कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं प्रॉपर्टी को अटैच करने के वो ऑर्डर वापस लिए जा सकते हैं।
एनी पर्सन चार्ज विद कंटेम्प्ट अंडर सेक्शन 15 में फाइल एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस। तो जो पर्सन चार्ज है कंटेम्प्ट के केसेस में सेक्शन 15 में, वो एफिडेविट दे सकता है अपने डिफेंस में जो है, सपोर्ट में जो भी एफिडेविट देना चाहे वो दे सकता है। द कोर्ट में डिटरमाइन द मैटर ऑफ द चार्ज ईदर ऑन द एफिडेविट फाइल्ड और आफ्टर टेकिंग सच फर्दर एविडेंस एज मे बी नेसेसरी एंड पास सच ऑर्डर एज द जस्टिस ऑफ द केस रिक्वायर्ड। तो कोर्ट जो है दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद जो है, जो उनको लगता है जो ऑर्डर जो करना चाहिए, वो जस्टिस जो करना चाहिए वो कर सकता है। एज पर सेक्शन एवरी केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट अंडर सेक्शन 15 शैल बी हेड एंड डिटर्मिन बाय द बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस। यहाँ पे क्लियर है कि क्रिमिनल अगर कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट के थ्रू जो है, या अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू जो है रेफर किया गया है, तो उस केस में को जो है कम से कम बेंच जो है हाई कोर्ट की सुनेगी, और उस बेंच में कम से कम 2 जज वहाँ पे होने चाहिए। लेकिन ये जो जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट में ये चीज़ लागू यहाँ पे नहीं होती है। फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिमिट ऑफ 1 ईयर पीरियड इज प्रेस्क्राइब। तो कब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी, इसका जो है टाइम पीरियड बताया गया है। तो संज्ञान जो है कंटेम्प्ट के केसेस का 1 साल के अंदर जो है लिया जा सकता है। अपील प्रोविजन फॉर अपील आर ले डाउन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 1971 एंड अपील सच केसेस में बी मेड एज अ राइट। तो देखिए सेक्शन 15 और 17 में जो कार्रवाई हो रही है, जहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है किसी मामले को रेफर कर रही है हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट की बेंच हुआ वहाँ पे डिसीजन सुना रही है, और डिसीजन अगर उस चार्ज पर्सन के अगेंस्ट सुनाया जाता है तो वो उसकी अपील जो है कर सकता है सेक्शन 19 में। एन अपील शैल बी लाई एज राइट। तो ये अपील का जो राइट है ये एज अ राइट होगा, और वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो है वो कर सकता है। वेयर द ऑर्डर ऑफ द डिसीजन इज दैट ऑफ द सिंगल जज, अगर हाई कोर्ट की सिंगल जज ने वहाँ पे डिसीजन किया है तो वो अपील जो है उस बेंच को कर सकता है जहाँ पे 2 जज कम से कम होंगे। वेयर द ऑर्डर और डिसीजन इज दैट बेंच, तो अगर बेंच ने वहाँ पे डिसीजन किया है, 2 से ज़्यादा जजेस की बेंच ने वहाँ पे डिसीजन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपील वहाँ पे कर सकते हैं। वेयर द ऑर्डर और डिसीजन इज दैट ऑफ कोर्ट ऑफ द जुडिशियल कमिश्नर एज एनी यूनियन टेरिटरी सच अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर यूनियन टेरिटरी के किसी जुडिशियल कमिश्नर ने वो ऑर्डर किया है उस कंडेम्ड के मामले में, तो उसकी अपील भी जो है सुप्रीम कोर्ट को की जा सकती है। 30 डे फॉर द अपील टू बी फाइल्ड इन द बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। अगर सिंगल बेंच का डिसीजन था तो 2 बेंच जज में डिसीजन जो है अपील जो है 30 दिनों के अंदर की जाएगी। एंड 60 डे फॉर द अपील फॉर फाइल्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो 60 दिनों के अंदर जो है आपको अपील वहाँ पे कर सकते हैं आप। इसके साथ पेंडिंग एनी अपील द अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ द पनिशमेंट और ऑर्डर अपील अगेंस्ट बी सस्पेंडेड। तो जब अपील जो है कर दी जाती है हाई कोर्ट की बेंच को या सुप्रीम कोर्ट को, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है जो पनिशमेंट जो छोटी कोर्ट ने दे रखी है, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो पनिशमेंट दी है उसकी एग्जीक्यूशन को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। इफ़ द अपीलेंट इज इन कन्फाइनमेंट बी ले, अगर उसको ऑलरेडी जो है जेल में डाला जा चुका है तो उसको बेल पर रिहा किया जा सकता है। द अपील बी हेयर्ड नॉट विद स्टैंडिंग दैट द अपीलेंट हैज़ नॉट पर्स्ड हिज कंटेम्प्ट। अगर वो वहाँ पे जो है अपनी कंटेक्ट वहाँ जहाँ वहाँ पे जो है माफ़ी मांग लेता है, जो अपने पाप धुल देता है, तो उस कंडीशन में भी उसकी अपील को फिर जो है वहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब अपील जो कर दी जाती है तो जो कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट जब उस केस को सुन रही है, अपील उसके सामने पेंडिंग है, तो फिर जब तक पेंडिंग है तो अभी डिसीजन होना है, तो उस अगर उसको उस ऑफेंडर को कन्फाइनमेंट कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो उसको बेल पर रिहा कर दो, और अगर एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट करनी है अभी तो उसको एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट को फिलहाल सस्पेंड कर दो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन द केस ऑफ श्रीमती चंद्रमती देवी वर्सेस राजीव 12 AI 2011 गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्या बोला, दैट अंडर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंडेम्ड कोर्ट द गिल्ट पर्सन ईदर मे बी पनिश्ड और डिस्चार्ज बाय द कोर्ट। तो गिल्ट पर्सन को या तो पनिश किया जाएगा या उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट इट्स अर्लियर डिसीजन। तो अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन अगर पे करने के लिए वहाँ पे बोला गया तो उसको कोर्ट जो है रिड्यूस नहीं कर सकती है। ये यहाँ पे बताया गया है प्रोसीडिंग को। थैंक यू सो मच।